दिसंबर में होने वाला है आईपीएल 2022 का ऑक्शन और उससे पहले सभी टीमों को अपना कोर मेंटेन करने के लिए चार चार खिलाड़ियों को रिटेन करना पड़ेगा। तो आज मैं यही बताऊंगा कि सभी टीमें किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करेगी। कमेंट में आप भी बताना कि आपके हिसाब से आपकी फेवरेट टीम किस किस को रिटेन कर सकती है। अब सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। तो सीएसके के मैनेजमेंट ने ये बयान दिया है कि महेंद्र सिंह धोनी एक दो साल और सीएसके के लिए खेलने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में सीएसके के पहले रिटेंशन तो एमएस धोनी ही होने वाले हैं। इसके अलावा दूसरे रिटेंशन होंगे सुरेश रैना, तीसरे रिटेंशन होंगे सैम करन जो कि एक युवा खिलाड़ी है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सीएसके के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी, और चौथे प्लेयर के रूप में रविंद्र जडेजा को सीएसके की टीम रिटेन करेगी। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की। तो इनके पहले रिटेंशन श्रेयस अय्यर हो सकते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस जिस तरह से बूस्ट हुआ है, तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत होने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स के पहले रिटेंशन। दूसरे रिटेंशन के रूप में श्रेयस अय्यर ही रहेंगे और तीसरे रिटेंशन के रूप में कगिसो रबाडा हमें दिखेंगे। चौथा ऑप्शन दो था यहाँ पर ही मेरे पास, पृथ्वी शॉ और शिखर धवन के बीच में एक को चूज़ करना था, लेकिन मैंने पर्सनली पृथ्वी शॉ को चूज़ किया क्योंकि एक यंगस्टर है और सालों तक दिल्ली कैपिटल्स के लिए सर्व कर सकते हैं। बट आई थिंक कि आप में से बहुत लोग शिखर धवन को चूज़ करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताना आपके हिसाब से शिखर धवन रिटेन होंगे या फिर पृथ्वी शॉ। तीसरी टीम की बात करते हैं यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो इनके पहले रिटेंशन कन्फर्म है, एंड्रे रसल होने वाले हैं, और दूसरे रिटेंशन भी कन्फर्म है, शुभमन गिल। तीसरे रिटेंशन के रूप में हमें नीतीश राणा दिखाई दे सकते हैं, वहीं चौथे रिटेंशन के रूप में वरुण चक्रवर्ती हमें दिखाई देंगे। और केकेआर के रिटेंशन लिस्ट की बात करें तो रसल को छोड़कर कोई भी अनुभवी खिलाड़ी नहीं है, तो पूरी तरीके से यंगस्टर्स पे डिपेंड होने वाली है केकेआर की आईपीएल 2022 की टीम। चौथी टीम वो है जिन्हें ऑक्शन से बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है क्योंकि ये अपने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को मेगा ऑक्शन में गवा देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की। इनके पहले रिटेंशन होंगे रोहित शर्मा, दूसरे रिटेंशन होंगे जसप्रीत बुमराह, और तीसरे रिटेंशन हार्दिक पांड्या जो कि कन्फर्म है, और चौथे रिटेंशन के रूप में हमें कायरन पोलार्ड दिखाई देंगे। और इसी वजह से ये अपने अच्छे अच्छे खिलाड़ी जैसे कि ट्रेंट बोल्ट, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को गवा देंगे। अब फिलहाल मैं तो अपने हिसाब से आठों टीमों के चार चार रिटेन्ड प्लेयर्स के नाम बता दूंगा, लेकिन आप सभी को बताना है कि इन चार चार रिटेन्ड प्लेयर्स के साथ आठों में से कौन सी टीम सबसे मजबूत दिख रही है आपको। अब बात करेंगे पंजाब किंग्स की। तो 110% कन्फर्म है कि केएल राहुल होने वाले इनके पहले रिटेंशन, वहीं दूसरे रिटेंशन के रूप में हमें मोहम्मद समी दिखाई देंगे, तीसरे रिटेंशन होंगे मयंक अग्रवाल, और फाइनली इनके चौथे रिटेंशन होने वाले हैं निकोलस पूरन। रवि बिश्नोई भी एक ऑप्शन था, तो पंजाब किंग्स के फैन बताओ पूरन या फिर रवि बिश्नोई। रजवाड़ों की बात करते हैं यानी कि राजस्थान रॉयल्स की। तो इनके पहले रिटेंशन होने वाले हैं इनके कप्तान संजू सैमसन, इसके बाद ये बेन स्टोक्स को रिटेन करेंगे और जोफ्रा आर्चर को भी रिटेन करेंगे, और इनके चौथे रिटेंशन राहुल तेवटिया होने वाले हैं, लेकिन ऑप्शन में ये भी अपने एक अच्छे खिलाड़ी यानी कि जॉस बटलर को गवा देंगे। बोल्ड आर्मी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करते हैं, तो इसमें कोई शक ही नहीं कि इनके रिटेंशन होने वाले हैं सबसे पहले तो विराट कोहली और एबी डिविलियर्स, इसके बाद इनके तीसरे रिटेंशन होंगे युजवेंद्र चहल, और वहीं चौथे रिटेंशन होने वाले हैं मोहम्मद सिराज। और यहाँ पर देवदत्त पट्टिकल भी एक ऑप्शन था, लेकिन आई थिंक ऑप्शन में वापस आरसीबी की टीम देवदत्त पट्टिकल को ले सकती है, और अगर पट्टिकल नहीं भी मिले तो और भी युवा ऑप्शंस ऑक्शन में मिलने वाले हैं जैसे कि सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल, तो इसीलिए मेरे हिसाब से देवदत्त को ऑक्शन में जाने देना चाहिए। अब फाइनली आखिरी टीम यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की बात करेंगे। अब ये भी ऑक्शन में बहुत ज़्यादा घाटा सहने वाले हैं क्योंकि ये अपने अच्छे अच्छे फॉरनर्स खिलाड़ियों को गवा देंगे। इनके रिटेंशन होने वाले हैं केन विलियमसन और भुवनेश्वर कुमार, और तीसरे रिटेंशन होंगे राशिद खान, और फाइनली चौथे रिटेंशन होने वाले हैं थंगरासु नटराजन, और ये वार्नर को गवा देंगे क्योंकि वार्नर को तो वैसे ही ये कप्तानी से निकाल चुके हैं, और क्योंकि सिर्फ दो फॉरनर को रिटेन कर सकते हैं तो केन अगर कप्तान है तो दूसरे रोटेशन तो राशिद खान ही कन्फर्म होने वाले, और इसके अलावा ये बेरस्टो को भी गवा देंगे। तो देखना होगा ऑक्शन में ये वापस से परचेज कर पाते हैं या नहीं इन लोगों को। तो यार बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो छोड़ कर जा रहे हो, अब स्क्रॉल करोगे कौन सी वीडियो देखूं, वीडियो ढूंढना पड़ेगा। इससे बढ़िया स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही है उसे देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है स्टेडियम से रिलेटेड, बड़ा मज़ा आएगा। और मैं आपसे मिलूंगा अब अगली वीडियो में।